आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में उन उद्योगपतियों की जो राजनीति के क्षेत्र में गए। तो हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से कौन सी कुंडलियां होती हैं वे जो धन भी बनाती हैं और राजनीति में भी अपना स्थान सुरक्षित करने की कोशिश करती हैं। यहाँ आज हम ले रहे हैं इस क्रम में सावित्री जिंदल की कुंडली। जिंदल ग्रुप के फाउंडर ओम प्रकाश जिंदल की पत्नी हैं, ये भारत की सबसे अमीर महिला हैं और जिंदल ग्रुप की कंपनीज की मालिक हैं। इस समूह के संस्थापक ओपी जिंदल जी के निधन के बाद वो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी की चेयरपर्सन बनी हैं। 8 मार्च 2019 तक उनकी कमाई $6.5 बिलियन थी। भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में वो 14वें नंबर पर आती हैं। 2005 में अपने पति के स्वर्गवास के बाद सावित्री जिंदल जी ने हिसार की राजनीति में कदम रखा और विधायक बनी। आइए उपलब्ध कुंडली के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से वो ग्रह हैं जो एक तरफ उनको इतना धनवान बनाते हैं और दूसरी तरफ राजनेता। सूर्य चंद्रमा राहु ये मीन राशि के अंदर होने ने इनको जहां राहु और सूर्य का साथ कुंडली के अंदर अचानक बदलाव और ऊंचाइयां और साथ के अंदर साहस इसके साथ अपने निर्णयों पर दृढ़ रहने का मादा देता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि सूर्य और राहु साथ के अंदर है, साहस की कोई नमी, दुसाहसिक निर्णय लेने में उनको कभी भी कोई परेशानी नहीं आई। मंगल भी जब सूर्य से दृष्ट हो जाए, बहुत सारी कुंडलियों में जब हम अब तक बात करते रहे उनमें देखते हैं कि जब मंगल और सूर्य का साथ होता है तो व्यक्ति के अंदर अपने निर्णयों को समझ करके लेना और उनके भविष्य को समझने की कोशिश करने को भी हम यहाँ से देख पाते हैं और उन निर्णयों के पीछे पूरी एक विचार श्रृंखला होती है। लोगों को अचानक लिए गए निर्णय दिखाई देते हैं। तो यहाँ हम देख पाते हैं कि मंगल और केतु का साथ निष्ठांत विद्वान बनाता है युद्ध नीति का, कि अगर कोई कार्य है, कोई बात है, कोई किसी चीज़ को ठीक करना है तो कैसे उसकी व्यूहरचना की जानी चाहिए, कौन उसको ठीक करेगा, कौन सबसे सही व्यक्तियों की पहचान करना, उनको काम में लेना, इन सब चीज़ों में मंगल और केतु का साथ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ इस कुंडली में हम ये भी देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण धन के विषय में जब हम देखते हैं कि कौन सा सितारा है जो धनवान आपको बनाता है तो वह बृहस्पति और शुक्र। बृहस्पति यहां पर बुध के साथ, दूसरे ऐसे जो बिजनेस का सितारा है बुध और बृहस्पति जो धन का सितारा है, दोनों अगर साथ हो जाएं तो आपको व्यवसाय की बहुत अच्छी समझ देते हैं, आपके निर्णयों को आप इवन दूसरों को सही राय दें और वो अपने व्यवसाय में सफल हो जाएं, ऐसा बृहस्पति और बुध के साथ आने से होता है। बृहस्पति और बुध के साथ आने से, अच्छी जगहों पर आने से आप भविष्य को भी देखने की आपको क्षमता देता है। तो यहाँ हम देख पाते हैं ये भी इनकी कुंडली के अंदर हमें दिखाई देता है। बृहस्पति शनि से जब संबंध बनाता है तो स्थायी धनवान बनाता है, तो यहाँ स्थिर धनवान होने के योग भी दिखाई देते हैं। शुक्र भी शनि की राशि में, शुक्र बुध बृहस्पति और शनि सब शनि के आसपास हैं, आदर्शी संबंध बनाए हुए हैं, उन प्रभावित हैं शनि से। तो इसके मायने होते हैं कि आपको स्थिर धन मिलता है, उस समझ मिलती है, कार्यों को आगे देखने की आपकी समझ बढ़ती है और दूसरे भी आपकी योजनाओं और आपके विचारों से सहमत होकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने जाना कि कैसे सूर्य और मंगल आपको राजनीति में लेके आते हैं और कैसे बृहस्पति शनि और बुध का समर्थन आपको व्यवसाय में आगे बढ़ाता है। दो अलग अलग सेगमेंट एक साथ हो जाए कुंडली में तो कैसे आप दो अलग अलग तरह की बिल्कुल विपरीत चीज़ों में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं, इन कुंडलियों के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज्योतिष के जिज्ञासुओं को और व्यवसाय में जो स्थापित लोग हैं उनको या जो लोग राजनेता हैं और व्यवसाय में आना चाहते हैं उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं चीज़ें देखने के लिए। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।